साधना सत्संग का साधु चलूँ शुभारंभ होता है। महिलाएं तो कोई सभी बच्चियों ने अटेंड किया, बहू एक ने अटेंड किया, बाकी जिनको अटेंड करना था सब बड़े जो बाकी पुत्र हैं उन्होंने सबने अटेंड किया। बहरहाल गोविंद लाल जी की स्थित प्रज्ञता से साधक्षण मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। अंतिम दिवस जैसे वो बाबा मस्ताना हमको दर्श दिखाना गाया उसी ढंग से नाचे, समाप्ति हुई। कुछ एक बातें और उन्हें करनी थी, वे जल्दी जल्दी सीखी क्योंकि वापस घर जाना था उनको। साधना सत्संग से भी साधक जनों लोग बहुत प्रभावित आए हैं। यहाँ के साधक उन लोगों की श्रद्धा देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त तो कोई मुझे मिला नहीं वहाँ पर। मैं 5 दिन वहाँ रह के आया हूँ, 6 दिन कोई मिलने का कोई ज़रूरत नहीं महसूस करते लोग। साधकों का बहुत ऋणी हूँ मैं इस बात के लिए। कोई कहता भी है कोई मिलने के लिए तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। सत्संग में जो मिल जाता है, प्रवचनों में जो मिल जाता है, वह और कुछ रहता नहीं। कुछ मिलने वाला, जो पूछने वाला, कुछ बताने वाला। पिछले साल से 60-70 लोग ज़्यादा थे, 867 लोगों ने सत्संग में भाग लिया, अटेंड किया। प्रवचन में कहीं कहा होगा, बहुत खुली जगह है, पहले दिन ही कहा होगा शायद। जब ये कहा जाता है कि इतने बजे आप सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत जगह है घूमने के लिए, पहली बैठक में ही संभवतः ये कहा जाता है। बाहर जगह है, घूमिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जहाँ लोग बैठे हों उनकी तरफ पीठ करके बैठना, तो मुख परमात्मा की तरफ अपने आप हो जाएगा। लोगों ने ये बात इतनी पल्ले बांधी। किसी महिला का फोन आया कल, उन्होंने कहा कि इस बात का लोगों ने अक्षरशः पालन किया। भोजन तो कमरे में ही करना होता था, समझदार लोग तो इसको कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे, यहां तो ज्यादा ही समझदार हैं लोग। भोजन कमरे में लेके जाते थे, दीवार की तरफ मुख करके तो साधक भोजन करते थे। महिलाएं, पुरुषों का मुझे पता नहीं, किसी महिला ने सूचना दी, फोन आया कल उनका। ऐसे लोग आज्ञाकारिता, शिष्टता का बड़ा विशिष्ट गुण। शिवाजी ऐसे ही थे, आज्ञाकारिता के कारण ही गुरु महाराज को शिवाजी बहुत पसंद थे, फेवरेट शिष्य थे। हर बात पर शिवाजी उनको आगे किया जा रहा है, उनसे प्यार किया जा रहा है। तो ईर्ष्या की समस्या स्वाभाविक, कोई आज की समस्या नहीं है, ईर्ष्या की उस वक्त भी थी। मान्यता है स्वामी विवेकानंद ही पिछले जन्म में शिवाजी थे। एक जंगल में घूम रहे थे तो सब कुछ पिछला याद आ गया स्वामी विवेकानंद को, इस सब जगह मैंने देखी हुई है। ईर्ष्या की समस्या उसको भी बहुत, कोई आगे बढ़ता हुआ हम देख नहीं सकते। बढ़ने लगता है तो आपकी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं उसका पत्ता काट दिया जाता है, उसे पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। यदि आप सत्तावान हैं तो
आपको कोई बाईपास करता है तो ये आपसे सहन नहीं होता, आपकी डांट का पात्र बनता है। ये समस्याएं कोई आपकी नहीं है, सत्ता की समस्या है, ईर्ष्या की समस्या है, उस वक्त भी थी, आज भी है, ज्यादा होंगी। बहुत ईर्ष्यालु हो गए शिष्य शिव जी के प्रति, गुरु अनभिज्ञ तो नहीं रहते, पता लगता है कि भीतर क्या चल रहा है। सिद्ध करने के लिए कि मैं क्यों उनसे प्यार करता हूं, कहा मेरे पेट में बहुत दर्द है। सभी शिष्य बैठे हुए थे, लोग सब इकट्ठे हो गए शिष्य, कहीं महाराज क्या किया जाए, जो आप हुक्म करें, डॉक्टर को, वैद्य को, इसको उसको, इत्यादि इत्यादि, नहीं, शेरनी का दूध चाहिए, वो मेरे पेट पर मला जाए तो मेरी पेट की दर्द ठीक हो जाएगी। तो एक एक करके शिष्य खिसकने शुरू हो गए। शिवाजी को भी पता लगा गुरु महाराज के पेट में दर्द है, शेरनी का दूध चाहिए। उनको मिलने नहीं गए, शेरनी का दूध लेने के लिए जंगल में चले। अंधेरा है, परवाह नहीं की, शूरवीर माता के शूरवीर पुत्र हैं, मां गहरे संस्कार शिवाजी के ऊपर, चमकती हुई आंखें दिखाई दी शेरनी की, दो तीन बच्चे बैठे हैं पास, कुछ थोड़े बड़े, कुछ मां के पास रात्रि को, भूखी मां, भूखे बच्चे, लगा व्यक्ति आ गया है, भूख मिटेगी, खाने को मिलेगा। वंदनी मातेश्वरी प्रणाम, शिवाजी के शब्द, वंदनी माँ परिवार प्रणाम, मेरी चरण वंदना स्वीकार करो। गुरु महाराज के पेट में दर्द है, थोड़ा सा दूध चाहिए, कृपा करके थोड़ा सा दूध मुझे दोने दो, एक छोटी सी चीज में दूध दोया। उनके पास बैठ के गुरु महाराज के पास पहुंचा, रात्रि के समय, ना कोई दर्द थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। गुरु महाराज सिर्फ ये दिखाना था कि मैं शिवा से क्यों अधिक प्रेम करता हूं आप सबकी अपेक्षा, कितना आज्ञाकारी है वह, आज्ञाकारिकता ही साक्षी हूं, गुरु को भाती है और शिष्य को गुरु कृपा का एवं परमात्मा कृपा का पात्र बना देती है। समय बहुत हो गया है साधु, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को, और आगे की चर्चा जो होगी, अभी यहीं समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।